वेलकम टू मैथप्यूटिक्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में सेमीकंडक्टर डायोड को देखेंगे और उसके अलावा क्रिस्टल डायोड एज ए रेक्टिफायर, रेजिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल डायोड और उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर और उसकी डेरिवेशन और उसकी एफिशिएंसी को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब सेमीकंडक्टर डायोड, एक जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसे हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं और क्रिस्टल डायोड भी उसी पीएन जंक्शन को कहते हैं। जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स हमारे पास होते हैं उनका जो आपस में हम बॉन्ड कराते हैं इस तरह, उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड या फिर क्रिस्टल डायोड कहते हैं। और उसके अलावा इसे हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है जबकि दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करवाता, जिसके वजह से ये एज ए रेक्टिफायर काम करता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मदद देता है। अब इसके अगर हम सिंबल को देखें तो उसका सिंबल कुछ इस तरह होता है। हमारे पास एरो हेड होता है पहले और उसके बाद हमारे पास बार लगा होता है। ये आम पीएन जंक्शन या क्रिस्टल डायोड जिसे हम कहते हैं। मैं अगर क्रिस्टल डायोड को देखें तो वहाँ पे भी पी टाइप को हम ब्लैक से होता है और ब्लू से भी, और उसके अलावा एन टाइप जो है सो वाइट से और कहीं पे रेड से भी कैथोड को शो करवा जाता है। उसके बाद क्रिस्टल डायोड को जिस तरह हमने बात की कि एज ए रेक्टिफायर यूज़ करते हैं और ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को फ्लो करवाता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को फ्लो नहीं करवाता। जिस तरह ये हमारे पास है, हम जब इनपुट में एसी सिग्नल देते हैं तो हमारे पास सिर्फ इस तरह पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये कट हो जाती है और ये इसको फ्लो नहीं करवाता। उसके बाद ये रेजिस्टेंस जो इसकी फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, 1 ओम से लेकर 25 ओम तक तकरीबन एक आम डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होता है और रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। जो अगर हम सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन में 40,000 ओम अगर हम कहेंगे रिवर्स रेजिस्टेंस है सिलिकॉन डायोड की, तो उसके बदले में हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम होती है। ये इसका रेशियो है रिवर्स टू फॉरवर्ड बायस। उसके बाद रेजिस्टेंस में भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में 2 किस्में होती हैं, एक तो डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और दूसरा एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है डायरेक्ट करंट को, डायरेक्ट करंट में जो रेजिस्टेंस हमारे पास आती है ये, तो उसे हम कहते हैं डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। जबकि चेंजिंग करंट में अगर देखें तो ये डीसी ग्राफ का अगर हम ग्राफ देखें तो ये यहाँ पे 0.7 तकरीबन क्रिस्टल डायोड, जबकि जर्मेनियम डायोड जो है वो 0.3 लेता है और क्रिस्टल डायोड 0.7 वोल्टेज के बाद करंट फ्लो करवाता है। तो इसका ग्राफ नॉन लीनियर होता है और इस तरह से यहाँ पे 0.7 के बाद करंट फ्लो करना शुरू होता है और इस तरह ग्राफ जनरेट होता है एक डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का। अब अगर एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस देखें तो वो एक अपोजिशन है जो ऑफर होती है चेंजिंग करंट को, जबकि डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में क्या था, डायरेक्ट करंट जो हम डीसी करंट देते हैं उसको जो अपोजिशन ऑफर होती है, जो अपोजिशन आ रही होती है उसे कहते हैं डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और यहाँ पे चेंजिंग करंट की वजह से जो एसी करंट हम देते हैं उससे जो रेजिस्टेंस आती है उसे हम एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको भी मेयर करने का तरीका वही सेम है, एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंजिंग वोल्टेजेस अक्रॉस डायोड अपॉन चेंजिंग करंट जो होता है उसे कहते हैं एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह ही होता है। जिस तरह हमने रिवर्स रेजिस्टेंस की बात की तो जो रिवर्स बायस में डायोड रेजिस्टेंस या अपोजिशन ऑफर होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस। और ये रिवर्स रेजिस्टेंस डीसी भी हो सकता है एसी भी, और ये आइडियली अगर आइडियल डायोड को देखें तो उसमें इनफाइनाइट होती है जबकि प्रैक्टिकल में कुछ लीकेज करंट उसमें एग्जिस्ट करती है, कुछ माइक्रो में या नैनो एम्पियर में करंट आ रही होती है, जबकि ये रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और उसके बाद अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक्चुअल डिवाइस होती है उसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जहाँ पर हम वही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डिवाइस यूज़ करते हैं, जिस तरह डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर्स। अब इससे फ़ायदा ये है कि ये एक तो
उसी तरह एक्ट कर रही होती है जिस तरह वो डिवाइस है, उसी तरह इक्विवेलेंट सर्किट भी एक्ट कर रही होती है। और हम इस इक्विवेलेंट सर्किट को या इस नेटवर्क को ट्रेडिशनल नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से हम एक इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं किसी भी डिवाइस को एनालाइज करने के लिए या ट्रेडिशनल सर्किट एनालिसिस टेक्निक से रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल में क्या होता है कि वही कंपोनेंट्स सारे सर्किट्स में ऐड करके हम उस सर्किट को एनालाइज कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हम डायोड के साथ रेजिस्टेंस होती है, डायोड की रेजिस्टेंस पहले जो RF इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी हम नोट कर रहे होते हैं, और उसके अलावा डायोड की यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टी है जो 0.7 सिलिकॉन और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट्स ले रहा होता है ऑन ओली के लिए या करंट को फ्लो करवाने के लिए, वो वोल्टेज ड्रॉप और उसके अलावा आगे लोड रेजिस्टेंस जो, तो उन सबको हम एनालाइज कर रहे होते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल में। अगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल की ये क्वेश्चन है VF इज इक्वल टू V0 प्लस IF और RF प्लस RL, यहाँ पे RF जो है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस हो। उसके बाद आता है सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट मॉडल। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्रिस्टल डायोड की हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। जिस तरह लोड रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि लोड रेजिस्टेंस के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा है और उसकी होने या ना होने से कैलकुलेशन में इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगी। फ़र्क वैसे तो पड़ेगी 0.001 या 0.002 का इतना फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे होते हैं। और सिंप्लीफाइड मॉडल में सिर्फ VF हमारा जो फार्मूला होता है VF इज इक्वल टू V0 प्लस IF और RL, यहाँ पे RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है और हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे इग्नोर किया है क्योंकि उसकी वैल्यू है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वो एज कम्पेयर टू लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो रही है। उसके बाद आता है आइडियल डायोड मॉडल। अब आइडियल डायोड मॉडल में द इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल बैरियर को नेग्लिजिबल समझा जाता है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में और परफेक्ट इंसुलेटर की तरह रिवर्स बायस में। और आइडियल डायोड जो है सो प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि प्रैक्टिकली लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस और जो V0 पोटेंशियल बैरियर की वजह से 0.7 या 0.3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि आइडियल डायोड में इस तरह नहीं होता। अब यहाँ पे एक ब्रीफ कंपैरिजन है अप्रोक्सीमेट मॉडल में, यहाँ पे हमने RF और V0 है, यहाँ पे सिंप्लीफाइड मॉडल में हमने RF को इग्नोर किया है जबकि हमारे पास आइडियल मॉडल में सिर्फ V0 और डायोड है, जबकि आइडियल मॉडल में सिर्फ डायोड ही होता है, हम V0 और RF को इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी ग्राफ की करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ग्राफ में क्या होगा कि ये यहाँ पे जो 0.7 है V0 0.7 या 0.3 जो है उसके बाद हमारा ग्राफ जनरेट होगा और वो लीनियर की तरह इस तरह ऊपर जाता रहेगा जिस तरह वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता रहेगा। जबकि अगर सिंप्लीफाइड मॉडल देखें तो सिंप्लीफाइड मॉडल में इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी नहीं होती, तो V0 के बाद जब 0.7 के बाद जैसे ही डायोड ऑन होगा तो करंट बिल्कुल एग्जैक्टली इंक्रीज कर देगा, जबकि वोल्टेज हम यहाँ पे 0.7 के बाद वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं हो रहे जबकि करंट इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो है सिंप्लीफाइड मॉडल है और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर किएगी। आइडियल डायोड मॉडल को देखें तो आइडियल डायोड मॉडल में 0.7 नहीं ले रहा होता जब आइडियल डायोड मॉडल में, तो जैसे ही हम करंट देंगे वोल्टेज देंगे 0.1 वोल्ट भी देंगे तो डायोड क्या होगा ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे 0.1 पे अगर हम देखें तो 0.1 पे ही करंट शार्पली इंक्रीज कर रहा होता है और शार्पली अपवर्ड जा रहा होता है। उसके बाद हम लिमिटेशंस देखें अगर PN जंक्शन की, तो यहाँ पे जो है सो IS फॉरवर्ड करंट जो है सो PN जंक्शन डायोड की वो एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है, उसके बाद क्या हो सकता है डायोड डैमेज हो सकता है और
डिस्ट्रॉय हो सकता है, एक लिमिट तक हम वोल्टेज दे रहे होते हैं, और इसकी रेटिंग जो है सो वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो प्रोवाइडेड की होती है कि इतने वोल्टेजेस के बाद अगर हम इस वोल्टेज से, इस लिमिट से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो डायोड जल जाएगा। फॉरवर्ड करंट एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस रेटिंग, द पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय ड्यू टू ओवरहीटिंग। उसके बाद पीआईवी एग्जिस्ट करता है पीएन जंक्शन में, जो क्रिस्टल मॉडल है वहाँ पे पीआईवी या पीक इनवर्स वोल्टेज, जैसे ही रिवर्स बायस में हम थोड़ा वोल्टेज उस पीआईवी से वोल्टेजेस इंक्रीज करेंगे तो डायोड के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम मैक्सिमम पावर रेटिंग जो है वो है द पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड एट द जंक्शन ऑफ विदाउट डैमेजिंग इट। इसकी एक पावर रेटिंग होती है जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि उसके उससे ज़्यादा अगर हम पावर देंगे, इसके पावर जो है सो अगर इसका पावर का फार्मूला देखें तो फार्मूला है P इज इक्वल टू आई वी डायोड। अगर हम डायोड की मॉडल को देखें और वहाँ से वोल्टेजेस मैक्सिमम वोल्टेज और करंट का हमें पता चल जाए तो वो उनको मल्टीप्लाई करके हम मैक्सिमम पावर भी चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना डायोड डिसिपेट कर सकता है। उसके बाद लिमिटेशंस में एक और लिमिटेशन ये है कि रिवर्स बायस में, जिस तरह हमने आइडियल डायोड मॉडल में रिवर्स बायस में जो है सो करंट फ्लो नहीं कर रहा होता और वो परफेक्टली इंसुलेटर की तो बे काम करता है, जबकि प्रैक्टिकली वहाँ पे एक लीकेज करंट फ्लो कर रहा होता है, जिसे हम एज ए लिमिटेशन कह सकते हैं क्रिस्टल डायोड की, और ये फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। सिलिकॉन के लिए तो ये तकरीबन 1 माइक्रो एम्पियर और जर्मेनियम के लिए 100 माइक्रो एम्पियर करंट डिसिपेट हो रहा होता है या लीक हो रहा होता है रिवर्स बायस। अगर हम देखें क्रिस्टल रेक्टिफायर्स, तो क्रिस्टल डायोड जो है जो वो रेक्टिफाई कर सकता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में। अब रेक्टिफिकेशन के लिए भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अब क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल तो फ्लो कर जाता है डायोड से, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लॉक हो जाता है और उसके लिए डायोड एज ए परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहा होता है, और वो नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे हमें आउटपुट पे कोई भी करंट शो नहीं हो रहा था, और उसके अलावा करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में। अगर यहाँ पे हम देखें तो एसी सप्लाई यहाँ से पॉजिटिव साइकिल के लिए ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव और डायोड का ये टर्मिनल पॉजिटिव है और इस टर्मिनल को नेगेटिव कहा जाता है। पी एन जंक्शन पी पॉजिटिव होता है, एन जंक्शन नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये हो गया फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में इस तरह करंट फ्लो करेगा, जबकि रिवर्स बायस में एसी सप्लाई के रिवर्स बायस में यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये हो गया रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस की वजह से करंट कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा और यहाँ पे डायोड एज अ ओपन स्विच काम करेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल तो मिलेगी लेकिन नेगेटिव साइकिल के टाइम पे ये यहाँ पे हमें ज़ीरो करंट शो हो रहा होगा, अगर ऐसे हम मल्टी सिम पे या वर्क बेंच पे चेक करें तो। इसी तरह दूसरे साइकिल के लिए फिर पॉजिटिव साइकिल शो हो रहा होगा, नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड एज अ ओपन स्विच वर्क करेगा। और एक और है यहाँ पे कि आउटपुट जो होती है वो पल्सेटिंग डीसी होती है। यहाँ पे आप अगर देखें तो पल्सेशंस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, डायोड पॉजिटिव से पहले डायोड यहाँ पे मिनिमम करंट फ्लो कर रहा होता है, इस जगह पे हम देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इस तरह हमारे जो डिवाइसेज हैं जिस तरह लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो तकरीबन सारी तो नहीं, तकरीबन जो है सो वो एसी डीसी सिग्नल पे इसी सोर्स पे, और इस तरह फ्लक्चुएशन से इसकी वजह से हमारी डिवाइस डैमेज हो सकता है, तो इसलिए हम आगे फिल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास स्टेडी फ्लो हो करंट का, इस तरह बिल्कुल इस फ्लक्चुएशंस बिल्कुल कम हो, इस तरह फ्लो करें ताकि हमारे डिवाइसेस डैमेज ना हो। ट्रांसफार्मर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के लिए दो हमारे एडवांटेजेस होते हैं, एक तो या हम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और ये जो है सो ट्रांसफार्मर हमारी डिवाइस जो है
रेक्टिफायर या डायोड इसे और जितनी भी दूसरी जो जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं उन्हें आइसोलेट कर रहा होता है ताकि कोई भी शॉक या फ्लक्चुएशंस की वजह से वो डैमेज ना हो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। अगर डिसएडवांटेज को देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल शो कर रहा होता है, तो अगर हम इनपुट में दे रहे हैं फुल हाफ साइकिल, यहाँ पे अगर हम इनपुट पे ये पूरा साइकिल दे रहे होते हैं तो हमें आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि हाफ आउटपुट मिल रहा होता है, बाकी हाफ जो है सो वहाँ पे ज़ीरो मिल रहा होता है। इस वजह से हमारा आउटपुट पावर जो है वो बिल्कुल लो है और आगे हमें फिल्टर्स भी यूज़ करने होते हैं स्टेडी करंट फ्लो करवाने के लिए। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी जो इनपुट अगर हम फ्रीक्वेंसी जितनी भी इनपुट फ्रीक्वेंसी देंगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी हमारी उतनी ही होगी। रेक्टिफिकेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी देंगे उतनी ही हमें आउटपुट मिलेगी। उसके बाद अगर हम अब इसकी एफिशिएंसी को देखें तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट डीसी पावर आउटपुट जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है और उसके अलावा उसके बाद अपॉन इनपुट इनपुट हमें कितना दे रहे होते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेक्टिफायर एफिशिएंसी डीसी पावर आउटपुट अपॉन इनपुट एसी पावर, ये एफिशिएंसी के इक्वल होता है। अगर हम इसके अब फार्मूले को ड्राइव करें तो फार्मूले के लिए पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज जो दे रहे हैं वो साइनोसाइडल वेव दे रहे होते हैं तो हमारा जो V होता है वो किस चीज़ के बराबर है, Vm साइन थीटा। और उसके अलावा हमारे पास ये RL लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्योंकि ये आइडियल मॉडल नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी और ये हमारे पास IF फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। तो इसे हमें आउटपुट हम देखते हैं तो हमारे पास डीसी पावर आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अब पावर क्योंकि पावर का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया है वो पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू आई वी। अब V हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर के बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स ला से। तो हमारे पास पावर किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहाँ पे आर है आर रोड लोड रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर एल। अब पावर के लिए हमें हमारे डीसी पावर आउटपुट चाहिए तो डीसी पावर आउटपुट के लिए हम क्या करें, इनपुट सिग्नल जो है हमारे पास है हम दे रहे हैं इनपुट वेव, यहाँ पे ओम्स ला वी आई इज इक्वल टू वी अपान आर होता है। अब आई जो है सो डीसी अगर हम ले रहे हैं तो इनपुट भी डीसी ओम्स ला के मुताबिक ये भी डीसी होना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास ये जो आर है यहाँ पे एक आर एफ है लोड रेजिस्टेंस प्लस हमारा जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड के साथ वो भी यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज वी हमने अब डिस्कस किया था, वी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा साइनोसाइडल वेव दे रहे हैं। और टाइम पीरियड अगर हम देखें तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो इस जगह पे हम देखें तो ये देखें हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 360 है एक वेव के लिए, तो 360 के मतलब 2π है। तो हम जब करंट के लिए फाइंड करेंगे तो टाइम पीरियड कितना लेंगे, 1/2π और इंटीग्रेट करेंगे Vm sin theta अपॉन RF प्लस RL। अब वोल्टेजेस और RF RL ये तो कांस्टेंट है, इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेट किस चीज़ को करना है, अब sin theta को। sin theta के अगर हम देखें तो sin theta की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos theta, यहाँ पे हमने रख लिया माइनस cos theta। अब 0 to π हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं पाए तक, तो पाए की जब वैल्यू रखेंगे cos पाए हमारे पास होता है -1 और cos 0 होता है 1। हमारे पास अगर हम इंटीग्रेट इसे करेंगे तो ये यहाँ पे होगा माइनस, ये माइनस हम बाहर रख लेते हैं, cos पाए होता है -1 और माइनस फार्मूले का और cos 0 कितना होता है 1, तो माइनस माइनस -2 इंटू -1 माइनस कितना होगा +2, तो +2 यहाँ पे आ गया तो Vm अपॉन 2π इंटू RF प्लस RL इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना क्या रह जाएगा, Vm अपॉन RF प्लस RL इंटू 1/π। अब Vm किस चीज़ के बराबर है, Vm बराबर है
Vm इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एल, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है आई एम इंटू आर एल, तो यहाँ पे हम रखेंगे Vm की जगह पे आई एम इंटू आर एल। अब ये आर एल इंटू आर एल तब कैंसिल होगा जब इंटरनल, जब हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू आर एफ, और आर एफ को हम निगलेक्ट कर देंगे और इग्नोर करेंगे, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर आप लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम आर एफ को किस क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आर एफ इग्नोर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा आई एम अपन पाई। तो पावर का फार्मूला पी डी सी हमने जिस तरह पीछे डिस्कस किया था, पी डी सी आई डी डी सी का स्क्वायर इंटू आर एल, आई डी की डी सी की जगह पे हम रखेंगे आई एम अपन पाए का होल स्क्वायर इंटू आर एल। अब ये होगा आउटपुट पावर, हमें तो मिल गया, अब इनपुट पावर। अब अगर हम इनपुट पावर देखें तो इनपुट पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह आई आर हमें फाइंड करना पड़ेगा जिस तरह हमने आई डी सी फाइंड किया था, लेकिन इसमें जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि वहाँ पे हमने जिस तरह लिए, यहाँ पे हमने जिस तरह लिया था वी एम साइन थीटा अपान आर एफ प्लस आर एल, तो यहाँ पे हम लेंगे वी एम साइन थीटा, यहाँ पे हम इसका वी एम साइन थीटा का होल स्क्वायर लेंगे, और उसी तरह यहाँ पे अगर हम 1/2 pi into 1/2 pi into upon 1/2 RF RL RF plus RL। इसी तरह अब यहाँ पे जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि क्योंकि इनपुट पावर है तो इनपुट को हम इनपुट वोल्टेज को हम ट्रैक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे हम जो करेंगे वो 1/2 पावर पहले स्क्वायर रहेंगे, और उसके बाद डेरिवेशन इंटीग्रेशन के बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे रूट मीन स्क्वायर फाइंड करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे 0 to π हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम जो है सो स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए VRMS। अब VAC जो है सो VAC के लिए हम VRMS फाइंड करेंगे, क्योंकि इनपुट AC सिग्नल को साइनसोइडल को जो कि पहले 0 होता है फिर पीक पे चला जाता है फिर 0 फिर नेगेटिव पीक, तो इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते, तो इसको ट्रैक करने के लिए हम VRMS फाइंड करते हैं। VRMS के लिए हम क्या करेंगे VM sin थीटा का स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद हम जो है सो होल का स्क्वायर रूट लेंगे ताकि VRMS आ जाए। इसी तरह हम इनपुट AC पावर फाइंड करेंगे जो होगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एफ प्लस आर एल, आई आर एम एस हमारे पास क्या आएगा आई एम अपन टू आएगा, तो इसका होल स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल करेंगे पी ए सी के लिए, तो हमारे पास डी सी पावर आउटपुट जो हमने आउटपुट निकाला था आई एम अपन पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई ए सी इनपुट पावर आई एम अपन टू का होल स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल। अब ये जो आर एफ अपन आर एल है ये आर एफ इग्नोरेबल होगा जब आर एफ को हम ज़ीरो रखेंगे एज कम्पेयर टू आर एल, क्योंकि आर एल बहुत ज़्यादा है और आर एफ बहुत कम है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे तो तब जाके हमारी इफिशेंसी जो आएगी वो आएगी 40.6% हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब अगर हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में ये यूज़ होता है लो पावर बैटरी चार्जर सर्किट्स में, ये जिस तरह हमारे बैटरी चार्जर सर्किट्स हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं, और ये पल्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, और उसके अलावा ए सी सिग्नल मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन के लिए यूज़ होता है। अब हम इसका अगर हम मैं बताऊँ मॉडुलेशन, तो जिस तरह हम सिग्नल भेजते हैं, जिस तरह हम कॉल करते हैं और सिग्नल एक टावर के पास जाता है उसके बाद दूसरे टावर तक रिक्वायर्ड डेस्टिनी के पास पहुंचने के लिए, तो जब एक टावर के पास पहुंचता है तो वहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर दिया था, डबल किया जाता है एम्पलीट्यूड डबल किया जाता है ताकि जो है सो इसका सिग्नल्स सही तरह से जो है सो दूसरे टावर तक पहुँचे, और रास्ते में कहीं पे इसमें डिफरेंस ना आए तो उसे मल्टीप्लाई कर किया जाता है ताकि सिग्नल्स करेक्ट मैसेज है वो डेस्टिनी तक पहुँचा जाए। इसी तरह डीमॉडुलेशन में भी वहाँ पे फिर उसी सिग्नल को जो मल्टीप्लाई किया था उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके बाद हमारे रिक्वायर्ड डेस्टिनी तक पहुँचा जाता है। और उसके अलावा सोल्डरिंग के लिए भी ये आयरन सर्किट सोल्डरिंग के लिए भी आप वेव रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है।